वेलकम टू येट अनदर व्लॉग बाय द इंडियन सेलर। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी हम लोग पहुंच चुके हैं वादियों में, और हमारे आते ही मौसम काफ़ी चेंज हो गया एंड इट वॉज रेनिंग हेयर इन अल्मोड़ा। सो अ परफेक्ट वेदर इन दिस मंथ ऑफ जून। सो टू रीच हेयर सम हाउ वी टुक अ लॉन्गर रूट एंड ऑलमोस्ट 150 से 200 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा इन पहाड़ों पर आने के लिए। बट इस सफ़र में कोको ने काफ़ी इन्जॉय किया। बट बिफोर कमिंग टू उत्तराखंड आपको करवाना है कोविड टेस्ट एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर द ई पास। सो इन दिस व्लॉग आप देखेंगे किस तरह से वी वेंट थ्रू अवर कोविड टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, ये है कोको, ये है मानी, और अभी हम लोग जा रहे हैं किधर? कहाँ जा रहे हैं? टेस्ट कराने। आपकी पहन लिया ये बोलने से पहले। अब हम बोलो सोई हुई है, मजे कर रही है, पर हम लोग जाएंगे टेस्ट कराने मामा। आपको टेस्ट मतलब होना चाहिए टेस्ट रिपोर्ट, वो मतलब 3 से 4 दिन का भी मैं देख रहा था, 4 दिन भी अलाउड है। ये खड़ी है भाई टियागो, एंड टियागो से निकलते हैं हम लोग टूवर्ड्स द RT-PCR सेंटर। तो अभी तो भीड़ कम है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, बेसिकली टूरिस्ट वगैरह ही आ रहे हैं, तो सुनने में आ रहा है केसेस कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये किया का पुराना एक शोरूम यहाँ बंद हो चुका है, और आगे दिल्ली NCR के सबसे बड़ा जो है शोरूम खुल रहा है। सो यहाँ जो है आसपास काफ़ी सारे शोरूम्स हैं। मॉरिस गैराज MG, पापा लोग पहले ही करवा चुके हैं RT-PCR, मेरा और हिमानी का करना बाकी है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, एंड वही है, ये सारी गाइडलाइंस हैं कि 3 दिन पहले तक का आपके पास जो है वैलिड RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, ई पास बनाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू उत्तराखंड। ये दो चीज़ें हैं। क्या हुआ इसमें? मेरा तो टेस्ट हो गया, भी गई है हिमानी टेस्ट करवाने। 543 आ रहा है, 543 मेरी नहीं है, नहीं है उस वाली, वहाँ से अलग हुआ कि सेम था जो लास्ट टाइम करवा था, वो इजी वाला था। हाँ, इन्होंने थोड़ा एटलीस्ट कुछ लिख दिया, एक हॉस्पिटल में करवाया था पहले, पता नहीं आजकल लोग सैंपल पता नहीं अभी कैसे लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत में टेस्ट चालू हुए थे, मैं 2000 अभी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एक तो दिल्ली में मेरा बहुत मतलब बिल्कुल अंदर तक ही डाल दिया था, वो ज़रूरी था नहीं था मुझे नहीं पता। बाकी फिर मैं बार US पनामा से वापस आया था, वहाँ पर अंदर डाल दिया था मेरे नाक में, मतलब आदमी का परेशान हो जाता है, वो ज़रूरी है या मुझे को ये नहीं समझ में आया। कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा सैंपल ले रहे हैं, वो चलेगा आदमी को। तो टेस्टिंग तो हो गई भाई, अब पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके निकलते हैं। क्या चार्जेस हैं इन लोगों? 450
450 तो है इनके, कितने टच चार्जेस थे? 450। ये खड़ी है भाई टियागो अपनी, इसमें नीचे देखते हैं, कुछ लगा तो नहीं है, ऐसी कोई डैमेजेस तो नहीं दिख रही। RT-PCR डन एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स होम, होपफुली कल सुबह निकल जाएंगे, देखते हैं। गाइस हम लोग की पैकिंग वगैरह चालू है, इसको देखो इसने क्या कर रखा है, अल्टीची में जाके बैठ गई शैतान। ए शैतान क्या कर रही है, क्या कर रही है, लीची का छिलका क्यों खा रही है, लीची का छिलका मत खाना कभी भी, यहाँ क्यों बैठी अल्टीची में क्यों बैठी अल्टीची में क्यों बैठी, नहीं बैठना था, उठो उठो, ये कहां से लाई लीची का छिलका और अटीची में क्यों बैठी, खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ खाना खाओ कोको, अटीची में जाके बैठ गई थी। सो पैकिंग कैसी चल रही है, ऑल सेट टू गो, हो गई पैकिंग चालू है हम लोग की, एंड क्या बोलती हो, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, पैकिंग कंप्लीटेड, गाड़ी में चेक बैठ जा मामू, बैठ अटीच में बैठना, बैठ जा आ जा बैठ जा, सो भाई OOTD मतलब होता है आउटफिट ऑफ द डे, जो मुझे नहीं पता था, शायद आपको भी ना पता हो, कभी आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड OOTD का है तो समझ जाइए। सो फाइनली आफ्टर पैकिंग आवर स्टफ हम अगले दिन निकलते हैं टुवर्ड्स उत्तराखंड नैनीताल एंड अल्मोड़ा, जहाँ किसी तरह रास्ता भटकते हुए वेटेड ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर मोर और करीब 530 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए मौज मस्ती करते हुए हम फाइनली पहुँचते हैं अल्मोड़ा वाया नैनीताल। सो नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी अबाउट अवर अमेजिंग जर्नी टू उत्तराखंड, बट फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग द इंडियन सेलर।